आप सबका आपके YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो त्रिकोणमिति। बहुत साथियों का जो है कमेंट्स आता है कि सर हमें त्रिकोणमिति के विशेष अनुपात की सारणी जो बना के दिखाइए, क्योंकि विशेष कोणों के जो अनुपात हमें याद नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा साथियों मैं एक ऐसा वीडियो बना के डालता हूँ जिसमें आपको विशिष्ट कोणों के मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस कंसेप्ट को समझिएगा, थोड़ा वीडियो पूरा देखिएगा और आप कुछ ही सेकंडों में इस सारणी में जो देर के आप 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और मैंने रेडियन में भी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कोणों के मान बड़ी आसानी से आप याद कर पाएंगे। चलिए साथी हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, वीडियो पर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोण है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और ये लिखा हुआ रेडियन के अंदर, ये डिग्री में था, ये रेडियन में है, 0 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 4 रेडियन, पाई बटा 3 रेडियन, पाई बटा 2 रेडियन, ठीक है ना। दोनों ही डिग्री और रेडियन के अंदर कोण लिखे हुए हैं, ये विशिष्ट कोण आते हैं और इनका मान हमें बिल्कुल याद करना पड़ता है और समझ जाए याद के रखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इधर आपका देखिए आपके अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना, सारणी बनाने के लिए आप यहां पर 0 से लेके गिनती लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। इन साइन थीटा के सामने आप 0 से लेके 4 तक गिनती लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या लिखी हमने उन सब में 4 का भाग देना आपको, ठीक है दोस्तों, सब में 4 का भाग दे दीजिए। ये 4 का भाग दे दिया और उसके बाद क्या करना अपने को, सबके वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए, इस प्रकार स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसे अपन कहते हैं, सबके लगा दिए आप इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब जो कटता है उसको काट के हम मान लिख देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, 0 है, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 0 है ये, इसमें 4 का भाग दो चाहे 5 का भाग दो, हमेशा मान 0 ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप सीधा सीधा 0 लिख देंगे। अब यहां पे देखिए एक अंडर रूट या के अंदर अपना 1/4 है, तो यहां पर अपने क्या है, देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है दोस्तों, तो यहां 1 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। किस प्रकार से, देखो ये √4 है, इसको हम 2 × 2 लिखते हैं और इस जोड़े में से 1 बाहर जाता है, अपना 2 हो जाता है। तो यहां sin 30 का मान जो है आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे आगे चलते हैं हम sin 45 के ऊपर। यहां पे देखिए आपका क्या है, जैसे कट जाएगा 2 × 2, 2 × 4, तो ऊपर तो अंडर रूट में 1 बच गया, इसका वर्गमूल भी 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे अपना 2 है, हम यहां लिखेंगे अंडर रूट 2। तो sin 45 का मान आपके पास हो गया 1/√2, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे चलते हैं, सार का मान ज्ञात करना है, तो यहां √3 ऊपर है, ठीक है दोस्तों, √3 ही रहेगा, इसका मान हमें ज्ञात नहीं करना, √3 ही लिखना है। लेकिन यहां रूट में 4 भी है, तो 4 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट आपका 2 है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2, ठीक है दोस्तों। तो sin 60 या रेडियन के π/6 का मान जो है आपका √3/2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अपने पास ये है sin 90 का मान देखना है, sin 90 का मान क्या, देखिए 4 से 4 कट गया और अपने पास इसका मान 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अपने पास देखिए पूरी साइन की जो सारणी है पूरी बन के तैयार हो गई है, sin 0, 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90
एक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने समझ लिया है, इसका मतलब सारे मान आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए साइन का हमने लिख दिया, तो कोस का हम किस प्रकार से करते हैं, कोस का आपको यहां से चलना है, यहां से देखिए, यहां से आपको यहां लिखना उल्टा, कोसाइन 90 है उसको साइन 0 में लिख दीजिए, ये एक आ गया। फिर 60 है, 60 को 30 में लिख दीजिए, अंडर रूट 3/2 आ गया, सॉरी अंडर रूट 3/2 हो गया। फिर साइन 45 है, उसको सेम यही लिख दीजिए, सेम साइन 45 का मान। अब साइन कोस का अपने को 60 का मान चाहिए, इसके आगे 1/2 है अपने पास, कोस का मान कोस 60 का मान 1/2 हो गया। अब दोस्तों क्या ध्यान रखना इस चीज का, अब कोस 90 लिखना है, यहां पर 0 है तो ये यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, साइन और कोस की सारणी आपकी पूरी हो गई। अब हमें चाहिए टेन की, टेन की सारणी ज्ञात करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं, देखिए दोस्तों टेन बराबर होता अपना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब है कि टेन 0 ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं यहां पे टेन 0 ज्ञात करना है तो हम यहां लिखे साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें लिखना है, तो देखिए यहां पर अपना जो है साइन 0/1, ठीक है, इसका मतलब 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बताया है, 0 में किसी का भाग देंगे हमेशा 0 ही आएगा, ये 0 हो गया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए साथियों अब ये है आपका 30, ठीक है ना, 1/2 / √3/2, तो ये आपके पास बच जाएगा 1/√3। ठीक है ना, आपको उधर भाग करके देखना है। अब 45, टेन 45 का मान ज्ञात करना है, 1/√2 भाजक 1/√2, इसका मतलब आपके पास मान हो गया सीधा सीधा 1, क्यों दोनों समान संख्याएं हैं, भाग देंगे तो समान आ जाएगा। अब साइन टेन 60 का मान चाहिए अपने को, तो √3/2 है, इसमें हम 1/2 का भाग देते हैं, तो इसमें आपका क्या आता है, देखिए √3। ठीक है दोस्तों, इसमें भाग देंगे तो इसका भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आपके पास बचेगा। अब जो 90 का चाहिए अपने को, टेन 90 का मान चाहिए, इसका मतलब साइन 90/cos90, यानी साइन 90 आपका 1/0, 1/0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हमेशा ध्यान रखिए कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा 0 आता है, लेकिन 1 या कोई भी संख्या में 0 का भाग अगर हम देते हैं हमेशा अनंत आता है। पहले अनंत लिखते थे, आजकल हम अपरिभाषित उसे कहते हैं, लेकिन निश्चित सिंबल हम इस प्रकार से ही लगाते हैं कि ये अपरिभाषित है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, ठीक है दोस्तों, अब अपने को देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की टेबल तैयार है अभी। अब हम जानते थे कि हमें कोट सेक और कोसेक इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसके बहुत ही आसान, देखो टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां 0 है, इसका मतलब ये 0 का मतलब 0/1 है, इसका मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा, इस टेन का उल्टा करना है। ठीक है दोस्तों, कोट 30 चाहिए तो साइन 30 का उल्टा 1/√3 है, तो ये √3 हो जाएगा। साइन कोट 30 का मान 45 का मान चाहिए, तो टेन 45 का मान 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है साथियों, 1 ही होता है, तो हम यहां 1 ही लिख देते हैं। कोट 60 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेन 60 का मान लिखते हैं यहां पे, √3/1 है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1/√3। ठीक है दोस्तों, यहां पर टेन 90 अपरिभाषित है, यानी अनंत है या अपरिभाषित है, हम इसका उल्टा कर देते हैं, तो यहां पर इसका 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास कोट का हो गया। अब सेक का चाहिए, मैं यहां निशान भी लगा देता हूं ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये टेन का उल्टा कोट है, कोस का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। अब अपने को सेक का उल्टा चाहिए,
sec 0 यानी अब हम sec 0 का मान याद करना, sec cos का उल्टा होता है, ठीक है, cos 0 का मान 1 है, आप यहां इसका उल्टा 1 लिख दीजिए, sec 30 का मान चाहिए, cos 30 का मान देखिए कितना है √3/2, आप 2/√3 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको साफ दिखाई दे, ये √3 है। अब sec 45 का मान चाहिए, cos 45 का मान देखिए 1/√2, तो यहां पे √2/1 हो जाएगा, sec 60 का मान चाहिए यानी cos 60 का मान 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, sec 90 का मान चाहिए, cos 90 का मान देखिए 0 है या इसका उल्टा करना है तो आपके पास अपरिभाषित आनंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें चाहिए cosec का, cosec होता है sin का उल्टा, ठीक है दोस्तों, अपने पास cos 0 एंड sin 0 का उल्टा, तो ये आपके पास अपरिभाषित हो गया। मैंने पहले लिख के भी बताया था कि 0 में किसी का भाग देते हैं हमेशा अपरिभाषित आता है, या जिसे पहले अनंत भी लिखते हैं। अब देखिए अपने cosec 30 का मान चाहिए, cosec 30 का मान sin 30 का मान 1/2 है, यहां पे 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब cosec 45 का मान चाहिए, तो sin 45 का मान देखिए आप 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2/1 हो गया, ठीक है ना साथियों। अब अपने cosec 60 का मान चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो अपने sin 60 का मान देखिए, ठीक है, तो 2/√3/2 है, तो यहां पे 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब cosec 90 का मान चाहिए, sin 90 का मान चाहिए 1 है, आप इसका उल्टा भी 1 ही लिख देंगे। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोण का मान बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इस कंसेप्ट से आप चलेंगे बड़ी आसानी से सब मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं। कहीं भी कंपटीशन में बैठोगे, आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, या 11th 12th में, कहीं पे भी, या कंपटीशन में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये मान याद कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे।